यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल और खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर नीमच में भी देखा गया है और तेल के दाम लगातार बढ़ गए, जिससे महंगाई बढ़ने की और संभावना बन गई है। खाद्य तेल की कीमत में फिर तेजी शुरू हो गई है। 22 दिनों में त्योहारों से पहले ही थोक के 19 रुपए बढ़कर प्रति किलो 155 रुपए तक पहुंच चुके हैं और आगे भी कीमत बढ़ने के आसार है। जो सोयाबीन तेल फरवरी माह के पहले दिन 135 रुपए प्रति किलो थोक के भाव बिक रहा था, वह आज 155 रुपए पर पहुंच गया। कुछ इसी प्रकार की स्थिति मूंगफली के तेल की है, जिसके भाव 13 रुपए बढ़कर 163 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। व्यापारियों की माने तो आगे भी तेल की कीमतों में तेजी की आशंका है। यदि ऐसा हुआ तो होली, रमजान सहित अन्य त्योहारों के लिए लोगों को बजट बढ़ाना पड़ सकता है। व्यापारियों के अनुसार इस बार लंबे समय से तेल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई थी। शादी का सीजन होने के बावजूद भाव में सोयाबीन तेल के भाव थोक बाजार में 135 रुपए के आसपास ही बने हुए थे, जबकि मूंगफली तेल 150 रुपए किलो रहा। पहले सप्ताह में ही सोयाबीन तेल में 5 रुपए किलो का उछाल आया, उसके बाद प्रतिदिन भाव बढ़ते रहे और आज 135 रुपए से 155 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। सोयाबीन के मुकाबले मूंगफली तेल में कुछ कम बढ़ोतरी हुई। 1 फरवरी को जो भाव 150 रुपए थे, वह 22 दिन में बढ़कर 163 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए।